ऑफ यू, हमारे न्यूज चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल को आगे बढ़ाते हुए अपन राजस्थान की जलवायु का पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं और उसमें अपन राजस्थान की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक थे और राजस्थान में जो ऋतुएं होती है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, उनके बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा की। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए पार्ट टू में अपन ये जानेंगे कि राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में या राजस्थान को सामान्य विशेषताओं के आधार पर कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो अपन बात करते हैं राजस्थान की जलवायु को, तो उसमें वर्षा के आधार पर यानी सामान्य विशेषता व वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को लगभग 5 प्रदेशों में बांटा गया है। उनकी क्या क्या विशेषता है फिर अपन पढ़ेंगे। एक वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता है कोपेन, जो उन्होंने अपना एक वर्गीकरण दिया था विश्व लेवल पर जलवायु के संदर्भ में। उन्होंने जो वर्गीकरण दिया था उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान का जो जलवायु है वो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है यानी बांसवाड़ा या डूंगरपुर के आसपास से। तो अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो संपूर्ण भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर की ओर है, लगभग संपूर्ण भाग है जो कर्क रेखा के उत्तर की ओर है। अगर रेखाओं की बात की जाए तो अपन यहाँ जानेंगे कि राजस्थान की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रकार की है। तो अपन बात करते हैं पांचों, जो अपन ने 5 भागों में जलवायु विभाजन किया था, अपन उनके बारे में एक एक के बारे में कौन से जिले आते हैं, वहाँ का तापक्रम क्या है, वहाँ वनस्पति कैसी है, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देख सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन का क्षेत्र है अति आर्द्र, यानी आर्द्र से भी ज्यादा, जहां पर वर्षा 80 सेंटीमीटर से भी अधिक होती हो उससे अपन कहते हैं अति आर्द्र। और ये जो क्षेत्र है अपन का झालावाड़, यानी जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र होता है, अपन कह सकते हैं हड़ौती के कुछ जिले और कुछ जिले और आपके उदयपुर संभाग के आएंगे। तो जैसे बात करते हैं इसमें आएगा आपके 12, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, उदयपुर का दक्षिणी भाग और कुछ क्षेत्र सिरोही के। सबसे पहले इसमें जो मानसूनी सवाना पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और इसका तापमान होता है 24 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक और सबसे ज्यादा वर्षा इसी प्रदेश में होती है। 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच की जो वर्षा होती है वो अति आर्द्र में होती है, यानी वर्षा है वो सर्वाधिक इसी प्रदेश में होती है। दूसरा अपन पढ़ते हैं कि आर्द्र प्रदेश, यानी जो अपन का आर्द्र प्रदेश है उसमें जैसे जिले कौन कौन से आते हैं, जैसे भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, यानी कुछ जिले आपका भरतपुर संभाग से हैं और कुछ जिले हड़ौती संभाग से हैं। और इसमें जो वनस्पति पाई जाती है पतझड़ प्रकार की, यानी मान पतझड़ का मतलब होता है किसी एक ऋतु आएगी तो उसमें क्या उनके पेड़ों के पत्ते जड़ जाएंगे, और मानसूनी का मतलब ये होता है कि मानसून के अनुसार चलने वाले, जैसा मौसम है मौसम के अनुसार चलने वाली जलवायु या उनके अनुसार वनस्पति। तो इसमें अपन के आर्द्र प्रदेश में होता है 30 से लेकर 35 डिग्री का तापमान, 30 से 35 डिग्री का तापमान। फिर इसमें आता है 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है इसमें। फिर अपन पढ़ते हैं उपआर्द्र, उपआर्द्र का मतलब होता है इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, जैसे अलवर, जयपुर, दौसा, करौली और अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, यानी ये जो जिले हैं इनमें भी आपकी पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, पतझड़ प्रकार की वनस्पति। इनका जो तापमान होता है 30 डिग्री से लेकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 36 डिग्री, और यहाँ पर वर्षा होती है कम, 40 से लेकर 60 डिग्री के आसपास वर्षा की मात्रा। फिर अपन बात करते हैं अर्ध शुष्क प्रकार, यानी अरावली है, अरावली के पश्चिम वाला भाग, इसमें जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और जालौर, ये आप कहेंगे अर्ध शुष्क प्रकार में। और इसमें जो आपकी वनस्पति पाई जाएगी स्टेपी प्रकार की वनस्पति, स्टेपी यानी, और
36 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा और यहाँ पर वर्षा रहेगी 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर। स्टेपी का मतलब ऐसी जलवायु, ऐसी जो वनस्पति जिसमें घास फूस से थोड़ी ज्यादा बड़ी वनस्पति, यानी उसमें पेड़ों की मां पेड़ भी सघन होंगे थोड़े, और उसमें थोड़े जो पेड़ों की ऊंचाई है वो भी ज्यादा होगी, पत्तियां थोड़ी बड़ी होगी। फिर अपन बात करते हैं शुष्क। शुष्क प्रकार की वनस्पति जैसे अपन के ऐसी वनस्पति जिसमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे पेड़ों की पत्तियां छोटी होगी, पेड़ों का जो तना होगा एकदम रूखा होगा, और उसकी जो जड़ें होती है वो लंबी होती हैं, पेड़ों की जड़ें होती है वो लंबी होती हैं, और छोटे छोटे पेड़ पौधे मिलेंगे आपको, और वो भी विरल यानी सघन नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी विरल। जैसे अपन के मान लें जैसलमेर हो गया, बाड़मेर, जोधपुर का जो उत्तर पश्चिम भाग है, बीकानेर और गंगानगर का दक्षिणी भाग, इन जिलों में जो आपकी वनस्पति पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है शुष्क प्रकार की वनस्पति, यानी अपन और शुष्क प्रकार की वनस्पति में जो वर्षा होती है वो आपकी 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा कि वर्षा के आधार पर, यानी जो अपन ने पढ़ा 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से ऊपर, तो इस प्रकार अपन ने वर्गीकरण किया वर्षा के आधार पर जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण सामान्य तौर पर। अब अपन बात करते हैं कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, कैसे राजस्थान के जिलों को डिवाइड किया गया है और इनका नामकरण कैसे हुआ। जैसे कोपेन थे जो आपके जलवायु भूगोलवेता थे, वो आपके ऑस्ट्रिय थे, और उन्होंने राजस्थान के जलवायु को प्रदेशों को चार भागों में बांटा। जैसे अपन छोटा सा राजस्थान का मैप ऐसे देखते हैं, जैसे ये राजस्थान का मैप आपने मान लिया, तो ये जो इधर प्रकार की जलवायु होगी, इधर के एक दो और यहां से कुछ भाग ऐसे होंगे, इधर वाले भी भाग होंगे, इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं। तो ये जो सबसे पहला है कोपेन, इसका नाम दिया था बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, यानी उन्होंने कुछ, कोपेन ने अपने वर्गीकरण के अनुसार एबीसीडी के कुछ अक्षरों का सहारा लिया। उन्होंने विश्व के जलवायु प्रदेशों को बांटने के लिए एबीसीडी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया था, और उन्होंने 5 बड़े अक्षरों का प्रयोग किया था, उनमें से जो बी अक्षर है वो वर्षा के आधार पर उनका वर्गीकरण था, और बाकी ए सी डी ई ये उनके तापमान के आधार पर उनका वर्गीकरण था। और कोपेन का जो मुख्य वर्गीकरण है वो अपन कह सकते हैं कि इनका जो वर्गीकरण है, जो तापमान वर्षा के आधार पर निर्भर है, तापमान वर्षा, यानी उनका जो वर्गीकरण है वो तापमान और वर्षा के आधार पर किया गया है। और उन्होंने कहा था, जैसे इन्होंने ये अक्षर दिया था राजस्थान के लिए, पश्चिमी राजस्थान के लिए BWHW, यहाँ उन्होंने बी को बताया था शुष्क, और डब्ल्यू बड़ा यानी जो कैपिटल डब्ल्यू है उसको बताया था मरुस्थल, और एच का मतलब उन्होंने बताया था जो गर्म प्रदेश होते हैं, हीट, और छोटे डब्ल्यू को उन्होंने बताया था कि मानसून यानी विंटर शुष्क, यानी जो ये होता है ये, तो BWHW, अगर आपको राजस्थान में कहीं किन्हीं जिलों में पूछ लिया जाए तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों के नाम आएंगे, ठीक है। जैसे अपन बता देते हैं इसका पूरा नाम अगर आपको पूछ लिया जाए, या तो आप कह सकते हो शुष्क प्रदेश, इसको या तो आप शुष्क प्रदेश कह सकते हो, या इसको कह सकते हो उष्णकटिबंधीय प्रदेश, इसको आप कुछ भी कह सकते हो, या तो आप शुष्क प्रदेश कह सकते हो, या उष्णकटिबंधीय प्रदेश कह सकते हो, या आप इसको मरुस्थलीय प्रदेश कह सकते हो। तो इसका देखो इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, जैसे इधर आ जाएगा आपका जैसलमेर आ जाएगा, फिर आपका इसमें जोधपुर का पश्चिम वाला हिस्सा आएगा, और जो ये बाड़मेर है, बाड़मेर का उत्तर पश्चिम यानी पश्चिम वाला हिस्सा आ जाएगा, और गंगानगर, और यहाँ पर है आपके बीकानेर, उनका भी आपका आ जाएगा पश्चिम वाला हिस्सा।
यानी इसमें लगभग जैसलमेर पूर्ण रूप से जैसलमेर वाला भाग आएगा, फिर बाड़मेर का पश्चिमी, जोधपुर का पश्चिमी, गंगानगर बीकानेर का भी पश्चिमी भाग आएगा उष्ण कटिबंधीय या शुष्क प्रदेश में, जिसको BWHW कहते। फिर उन्होंने नाम दिया था BSHW, यानी इसका मतलब तो मैंने आपको बता दिया शुष्क होता है, और एच का मतलब हॉट, डब्ल्यू का मतलब विंटर शुष्क, ये जो एस है बीच में इसका मतलब होता है स्टेपी, इसका मतलब होता है स्टेपी, या इसको अपन कह सकते हैं अर्ध शुष्क, क्या कह सकते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या स्टेपी जलवायु प्रदेश, इसको अपन कहते हैं पूरा नाम अगर इसके अनुसार डिवाइड किया जाए कोपेन के अनुसार। तो इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, और जो शुष्क प्रदेश है इसमें अभी मैंने आपको बताया था 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और जो ये शुष्क प्रदेश है इसमें होती है आपकी 20 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, 20 से 50 सेंटीमीटर। अब जो आपका अर्ध शुष्क स्टेपी प्रदेश है या स्टेपी प्रदेश है, तो इसमें आपके जिले आएंगे, जैसे इधर वाला बाड़मेर हो गया आपका, फिर आ जाएगा जालौर, फिर जोधपुर, फिर नागौर, फिर चूरू, फिर सीकर और फिर झुंझुनू, यानी ये वाले जिले आ जाएंगे आपके इसमें। ये आ जाएगा आपका बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये वाले जो क्षेत्र आते हैं वो आते हैं इसमें आपके नागौर वाले, इसमें अर्ध शुष्क प्रदेश में स्टेपी प्रदेश। अब अपन पढ़ते हैं तीसरा, जो ये आपका है CWG। CWG का मतलब होता है आपके ये वाला क्षेत्र CWG, तो इसका मतलब ये जो आपके यहाँ का जो क्षेत्र है उपजाऊ क्षेत्र है, यानी ये जो दक्षिण उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा है ये आपका उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर बनास है, बाणगंगा जो नदियाँ जलोढ़ के भाग है, तो मिट्टी उपजाऊ है, तो यहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा कृषि होती है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी राजस्थान में यहीं पाई जाती है, जनघनत्व भी यहीं पाया जाता है। तो अपन बात करते हैं इसमें, यहाँ पर आपके उप आद्र प्रकार की मानसूनी वनस्पति पाई जाती है, जैसे इसमें आपको बोला गया है छोटे डब्लू का मतलब विंटर शुष्क होता है, और सी का मतलब हो गया उप आद्र, सी का मतलब क्या हो गया उप आद्र, और जी का मतलब अगर भारत लेवल पर बात की जाए तो भारत में गंगा तुल्य जलवायु, गंगा तुल्य जलवायु, जैसे भारत में जो जलवायु पाई जाती है गंगा के मैदान में, वैसी की वैसी जलवायु राजस्थान में भी इन इस क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो इससे इसलिए अपन इसको ये भी कह सकते हैं गंगा तुल्य जलवायु या उप आद्र जलवायु प्रदेश। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, कोटा और बूंदी, ये वाले आपके इसमें जिले आ जाएंगे, 4-5 जिले आएंगे आपके, कोटा बूंदी इधर वाले क्षेत्र से आपको इधर लेना है, ये वाला क्षेत्र ऐसे आ जाएगा कोटा बूंदी, ठीक है, जैसे जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, कोटा और बूंदी, ये वाले क्षेत्र है। और यहाँ पर जो बारिश होती है वो होती है आपके 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक, कितनी बारिश होती है यहाँ पर जो बारिश होती है उप आद्र क्षेत्र में, वहाँ होती है 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर। अब आपका चौथा डिवीजन हो गया इसमें AW, ये हो गया आपका चौथा डिवीजन AW, यहाँ पर भी AW, तो इसका मतलब क्या होता, A का मतलब आपको पता है कि उष्ण होता है, A का मतलब उष्ण और W का मतलब होता है विंटर शुष्क, इसको अपन कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय आद्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आद्र जलवायु प्रदेश। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे इधर वाले जिले आ गए दो जिले, जैसे इधर आ गया आपका इस वाले जलवायु प्रदेश में, एक तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बूंदी वाला क्षेत्र, यहाँ पर बूंदी, तो ये वाले आपके जिले आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर इसमें जो जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, झालावाड़ का झालावाड़ और कुछ क्षेत्र और, इस जलवायु प्रदेश को अपन कहते हैं मानसूनी पतझड़ वन, यहाँ कौन से पतझड़ वन पाए जाते, मानसूनी पतझड़ वन, और यहाँ 80 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, 80 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है इस क्षेत्र में, AW वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा था राजस्थान में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को, 4 भागों में डिवाइड किया गया, जो पश्चिम है उसको कहते हैं BWHW, और
अर्ध शुष्क प्रदेश में, उसको कहते हैं BSHW। और जो उत्तर पूर्वी भाग है, या अपन ऐसे कह सकते हैं दक्षिणी उत्तर पूर्वी मैदानी भाग, वहां पाएगा CWG। और जो नीचे वाला है हड़ौती क्षेत्र, या अपन कह सकते हैं डूंगरपुर प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र, वहां पर पाएगा AW प्रकार का जलवायु वर्गीकरण। अब अपन बात करते हैं कुछ राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं के बारे में। जैसे अपन कुछ बात करते हैं, जैसे कि कौन से मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक बारिश होती है और किस मानसून से सर्वाधिक क्या विशेषता। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका राजस्थान में, जैसे यहीं से अपन बात कर लें, जैसे अरब सागर का मानसून है, तो अरब सागर का मानसून है जो आपके राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा से, यानी भारत की दक्षिण पश्चिम दिशा या राजस्थान की दक्षिण पश्चिम दिशा से आगे बढ़ता है। तो यह क्या करता है, जो अरब सागर का मानसून है यह अरावली के समांतर आगे बढ़ता हुआ संपूर्ण राजस्थान को क्रॉस कर जाता है और बारिश बिल्कुल कम करता है, क्योंकि इसके बीच में कोई अवरोध नहीं है। तो यहाँ दक्षिणी भाग में, यहाँ अरावली की चौड़ाई ज्यादा, तो यहाँ तो बारिश कर देता, बाकी जगह समानांतर होते हुए ये जो मानसूनी पवन है आगे बढ़ जाती है। तो ये जो अरब सागर का मानसून है ये संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है अरावली के समानांतर दोनों साइड में, ठीक है। तो ये बारिश तो कम करता है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन से मानसून से बारिश होती है, तो अरब सागर, अरब सागर के मानसून से सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। और सर्वाधिक वर्षा, यानी अब अगर मान लो प्रतिशत या वर्षा की मान बात की जाए, सर्वाधिक वर्षा, तो जो ये बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है इधर से, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून जब आएगा राजस्थान में, तो ये इधर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से ये राजस्थान में मानसून प्रवेश करेगा, और यहाँ पर जो आपकी अरावली की जो पहाड़ियां हैं इनसे ये मानसून क्या करेगा, मानसूनी पवन है जो टकराएगी, इनसे टकराएगी, और इनसे टकराने के बाद में ये इधर अरावली के पूर्वी क्षेत्र में ये बारिश करता है। लेकिन अरब सागर से ज्यादा करता है बारिश इधर बंगाल की खाड़ी वाले। तो सर्वाधिक अगर वर्षा की बात की जाए कौन से मानसून से होती है, तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, और अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका अरब सागर। अब अपन अगली विशेषता की बात करते हैं कि जो राजस्थान में आपकी कर्क रेखा है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, इस कारण गंगानगर क्षेत्र है वो कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूर है गंगानगर, तो यहाँ पर आंधियां सबसे ज्यादा आती है, आंधियां, ठीक है। और जो सबसे पास में है आपका झालावाड़, यहाँ पर सर्वाधिक आंधियां न्यूनतम आती है और वर्षा सर्वाधिक होती है, यानी आंधियां सर्वाधिक कहाँ आती है, गंगानगर में, और सबसे कम कहाँ आती है, झालावाड़ में। फिर बात की जाए सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा, ताप का अंतर यानी तापांतर वाला जिला एक है, जिले का नाम है चूरू, उसका तापांतर बिल्कुल सर्वाधिक अधिक है राजस्थान में, सबसे ज्यादा जिस जिले का तापमान है तापांतर है वो चूरू। तापांतर का मतलब होता है ताप का अंतर, ताप का अंतर, एक दिन में उच्चतम या न्यूनतम ताप के अंतर को तापांतर कहते हैं, उसको दैनिक तापांतर, मासिक या वार्षिक कुछ भी अपन मान सकते हैं। फिर देखो ये तो हो गया सर्वाधिक तापांतर वाला जिला, और जो झालावाड़ है ये सबसे कम तापांतर वाला जिला माना जाता है, झालावाड़ सबसे कम तापांतर वाला जिला माना जाता है। और माउंट आबू सिरोही की बात की जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक राजस्थान में वर्षा वाला स्थान है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू गुरु शिखर जो चोटी है वहां पर, और जिला पूछे तो झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। अगली विशेषता की अपन बात करते हैं कि राजस्थान में जैसे सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है और सबसे बाद में कहाँ होता है, तो सूर्योदय ये आपका धौलपुर है, यहाँ पर धौलपुर, तो ये पूर्व दिशा में है, तो सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पर होगा, सूर्योदय सबसे पहले जैसे सूर्य अभी होगा ये स्थान पर, तो जैसे जैसे सूर्य उगेगा फिर क्या होगा, पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, तो धौलपुर वाला स्थान इधर चला जाएगा ऐसे घूमता हुआ, तो यहाँ पर सूर्योदय भी सबसे पहले होगा और सूर्य अस्त भी सबसे पहले होगा। और जैसलमेर है जो राजस्थान के सबसे पश्चिम दिशा में स्थित है, तो पश्चिम दिशा में स्थित होने के कारण यहाँ पर सूर्योदय भी सबसे बाद में होगा और सूर्यास्त ये भी सबसे बाद में होगा। और
सूर्योदय और सूर्यास्त की बात हो गई, कर्क रेखा की बात हो गई आपके। इस प्रकार जो अपन ने राजस्थान की जो विशेषता है, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक आंधियां या सर्वाधिक वर्षा कौन सा, और सर्वाधिक वर्षा वाला अगर संभाग पूछ लिया जाए तो ये आपका हड़ौती संभाग हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जो संभाग है वो हड़ौती संभाग है। इस प्रकार अपन ने राजस्थान की जलवायु से संबंधित विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, और आज के लिए इतना। थैंक यू।